Yeah, I think so. Okay, ready, hope. Hi guys, welcome to AM Lifestyle. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. आज जो है, मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि आज जो है वो रिपोर्ट करवानी है डेंगू की, तो करवाई है. और खुदा का शुक्र है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत 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 बेहतर हो गए हैं, मतलब कि नॉर्मल से अच्छा रेट हो गया, नॉर्मल के बिटवीन ही है. तो जो है थोड़ा थोड़ा जो है अभी भी वीकनेस ही है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक आई हैं. और अभी जो है वो मैं दलिया मामा ने जो है वो मेरे लिए, जब मैं बीमार थी तो बना के रखा था, उसके अंदर दूध डाल के मुझे दो दो चम्मच दे रहे थे. तो अभी मैंने जो है वो, अब मैं कुछ बेहतर हुई हूँ तो मेरा दिल कर रहा था, तो मामा ने कहा मेरे लिए भी कर लो. तो मैंने फिर दूध डाल के तो उसको रखा हुआ है चूल्हे पे, ताकि जो है वो थोड़ा सा पक जाए, तो फिर उसके बाद मामा को भी दूँगी और ख़ुद भी खाऊँगी. देखें भाई, ये आई थिंक सो कि रेडी हो गया है. तो अब जो है इस चूल्हे को बंद करते हैं और फिर डालते हैं कटोरियों में. असल में बिल्कुल भी दिल नहीं करता, इवन लिपस्टिक लगाने का दिल नहीं करता कि मैं व्लॉग में आने के लिए जो है वो लिपस्टिक लगा के ही आ जाऊँ, थोड़ा चेंज करके आ जाऊँ. तो दो दिन से जो मैंने पहना हुआ है वही आपको कुर्ता नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ना अभी भी मतलब बॉडी में पेन वगैरह नहीं है, बट आंखें जो है ना वो ऐसे वीकनेस वाली हुई हुई हैं, जैसे बड़ा मैंने कोई स्ट्रेस लगा के वो काम किया हो. तो जो है प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है तबीयत ठीक हुई है. तो अभी मैं जो हूँ वो दलिया डालने लगी हूँ, तो दलिया डालते हैं. जी गाइस, तो मैं दलिया डालने लगी हूँ. मुझे लग रहा है मैंने दूध थोड़ा ज़्यादा कर दिया, मगर ठीक है, इट्स ओके. और गाइस, आज हम जो हैं वो थोड़ा सा बाहर गए थे, घर का थोड़ा सा जो है वो ग्रॉसरी वगैरह करनी थी, तो मामा मुझे साथ ले गई थी. रीज़न वैसे ये था कि मेरा टेस्ट होना था, तो मामा ने साथ ग्रॉसरी लेनी थी. तो मेरा टेस्ट भी हो गया, ग्रॉसरी भी हो गई, और साथ में जहां हम सस्ता बाज़ार में पहले गए थे वहां पे ही हम गए थे, और वहां का भी थोड़ा विज़िट किया है, तो वो भी आपको दिखाएंगे. उसमें मैंने चेंज किया हुआ है, उसमें मैंने लिपस्टिक भी लगाई हुई है. ठीक है, सब हम और शॉप पर जा रहे हैं, वहाँ पर जाके देखते हैं. जी गाइस, तो ये जो है मामा को पसंद आ रही हैं, लेकिन जो है ना वो मामा पहन के देखें, मामा ने तो जो है वो उनको बड़े हैं. अब आगे देखते हैं और चीज़ें. ये देखें, मैं इसकी प्राइजेस तो आपको अभी नहीं बता रही हूँ एक एक पूछकर, बट आप चेक कीजिएगा कि कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं. और ये देखिए, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी हैं, पहले भी मैंने आपको दिखाए थे जब मैं इस मार्केट आई थी, तो अब भी दिखा रही हूँ, आप लोग देखें सारी चीज़ें. Thank you.
गाइस, तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये वही वाला बाज़ार था जो मैंने पहले आपको विज़िट करवाया था, वॉल्टन बाज़ार। तो इधर कुछ जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई हैं, कुछ नई आ गई हैं। तो आज उस तरह से तो मैं आपको विज़िट नहीं करवा सकी क्योंकि उस वक्त मैं बिल्कुल ठीक थी, अभी थोड़ा वीकनेस है तो इस वजह से इतना विज़िट नहीं करवाया, इतने प्राइजेस नहीं बताई। तो अगली दफ़ा जब जाऊंगी तो फिर से आपको विज़िट करवाऊंगी और तब आपको प्राइजेस के साथ सब कुछ दिखाऊंगी और नया स्टॉक दिखाऊंगी कि कौन कौन सा आया हुआ है। तो इसी के साथ अगले व्लॉग में मिलेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू गाइज़।